Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Mathematics by Brain Root series. Here is a book children and the name of your book is Mathematics Whirlwinds and this is book primer. So let's start the new chapter today and this is chapter number 9 and the name of the chapter is Addition. So let's see what is addition. So to put together means to add. एक साथ रखने को ही हम कहते हैं add करना. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी birds हैं आपके सामने. First picture है उसमें एक डाली पे कितनी birds बैठी हैं? 1, 2, 3. कितनी birds हैं? 3 birds. अब एक और bird उड़ते उड़ते आई. वो थक चुकी है उड़ उड़ के. तो उसने सोचा चलो मैं भी डाली पे बैठ जाती हूँ. तो अब ये बर्ड भी आके इनके साथ यहाँ पे बैठ गई. तो अब कितनी बर्ड्स हो गई? पहले 3 थी, अब एक और बर्ड आ गई. तो 3 बर्ड में हमने एक बर्ड और ऐड कर दी. तो कितनी बर्ड हो गई? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. तो टोटल हो गई 4 बर्ड्स. तो 3 बर्ड्स थी, 1 बर्ड और आ गई. टोटल हो गई 4 बर्ड. तो जब हम 3 में 1 को ऐड करते हैं तो बन जाते हैं 4. तो इसे ही हम कहते हैं एडिशन. तो चलिए जल्दी से लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू काउंट एंड राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स. काउंट करना है और यहाँ कुछ बॉक्सेस बने हैं उनमें हमें वो नंबर लिखने हैं. तो चलिए जल्दी से देखते हैं कितने ट्रैक्टर हैं. 1, 2, 3, 4. कितने हैं? 4. तो जल्दी से 4 नंबर लिख देते हैं. नेक्स्ट अब यहाँ कितने हैं? 1, 2. 2 नंबर लिख दिए. अब कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितने ट्रैक्टर हैं? 6. तो जब हम 4 में 2 को ऐड करेंगे, 4 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाते हैं? 6. नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं कितनी कार हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 कार. 1, 2, 3. 3 कार को 6 कार में हमने ऐड कर दिया तो टोटल हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टोटल 9 कार्स. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट इज एडिशन यूजिंग नंबर लाइन. तो अभी हमने सीखा कि 4 में हमने 2 को ऐड किया तो 6 बन गया. 6 में हमने 3 को ऐड किया तो 9 बन गया. अब जो है ऐड करने का एक और तरीका है जो हम यहाँ पे सीखेंगे और वो क्या है? नंबर लाइन. तो एक लाइन होती है जिसपे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं. तो जैसे ये फ्रॉग जंप कर रहा है वैसे हमें भी जंप करना है और उस नंबर तक पहुँचना है. तो चलिए देखते क्या होता है यहाँ पे. सो हियर इज द नंबर लाइन. आप देख सकते हो ये बड़ी सी लाइन है ना. अब इस लाइन पे आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, फिर 0 के बाद 1 लिखा है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 0 से लेके 10 तक हमें काउंटिंग लिखनी होती है पहले. ठीक, अब क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है 3. तो हमें 0 से 3 टाइम्स जंप करना है. तो हमने जंप किया 1, 2, 3. हम आगे 3 नंबर पे. अब 3 के बाद 4 टाइम्स जंप करना है. 3 से हम 4 टाइम्स जंप करेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4. कहाँ पे पहुँच गए हम? 7 पे. तो आंसर आया 7. तो इसका ये मतलब है अगर हमने 3 में 4 को ऐड किया तो आंसर आएगा 7. तो ऐसे हम कहते हैं नंबर लाइन. और नंबर लाइन पे ऐसे ही हम ऐड करते हैं. नाउ चलिए जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं जो भी हमने सीखा है. हियर वी हैव टू यूज द नंबर लाइन टू ऐड द नंबर्स एंड फिल इन द सर्कल्स विद देयर आंसर्स. तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, इन्हें हमें नंबर लाइन पे ऐड करना है और इन सर्कल्स में लिखना है. तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है? 4. तो 0 से हमें कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है. आगे हम 4 तक. अब उसके बाद कितने टाइम जंप करना है? 5 टाइम. तो चलिए काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4.
फोर फाइव, कौन सा नंबर आया? नाइन। तो जल्दी से यहाँ पे नाइन लिख देते हैं। तो जब हमने फोर में फाइव को ऐड किया तो नंबर आया नाइन। सिमिलरली यहाँ पे अगला नंबर है थ्री, तो जीरो से कहाँ पे आना है हमें? थ्री तक आना है। अब कितनी बार जंप करना है? थ्री टाइम्स जंप करना है। तो वन टू थ्री, कौन सा नंबर आया? सिक्स। तो सिक्स है हमारे यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर है फोर, तो हम जीरो से जाएंगे फोर तक। अब फोर के बाद हमें सिक्स टाइम्स जंप करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कहाँ पे पहुँच गए? टेन तक पहुँच गए। तो टेन क्या है इसका आंसर? नेक्स्ट दिस वन, इसे आपको खुद से करना है। पहले जीरो से हम फाइव तक जाएंगे और फिर फोर टाइम्स जंप करेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि कौन सा नंबर यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट इज ज़ीरो इन एडिशन। ज़ीरो कैसे ऐड करते हैं? अगर हमें ज़ीरो को किसी नंबर में प्लस करना है, ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं? सो व्हेन ज़ीरो इज एडेड टू अ नंबर, जब किसी भी नंबर में ज़ीरो को हम प्लस करते हैं, या फिर नंबर इज एडेड टू ज़ीरो, या फिर वो नंबर ज़ीरो में ऐड करते हैं, तो नंबर जो है चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। मीन्स अगर हमने टू में ज़ीरो को प्लस किया तो टू ही रहेगा, फोर में ज़ीरो को प्लस किया तो फोर ही रहेगा, सिक्स में ज़ीरो को प्लस किया तो सिक्स ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और यहाँ पे एक भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है। तो हमने फोर में जब ज़ीरो को प्लस किया तो क्या हेलीकॉप्टर कम हो जाएंगे? नो। क्या ज़्यादा हो जाएंगे? नो। हेलीकॉप्टर तो उतने के उतने ही रहेंगे। तो कितने हेलीकॉप्टर बचे? फोर। सिमिलरली यहाँ पे एक भी बर्ड नहीं है, ज़ीरो बर्ड है आसमान में। अब यहाँ पे टू बर्ड्स आ गई और अब जब हमने ज़ीरो में इस टू को प्लस किया तो आंसर क्या आया? टू। अभी भी आसमान में कितनी बर्ड हैं? टू बर्ड। तो जब किसी भी नंबर में ज़ीरो को प्लस करेंगे तो वही नंबर आएगा, और ज़ीरो में अगर किसी नंबर को प्लस करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो जल्दी जल्दी से इस एक्सरसाइज को करते हैं। थ्री में हमें ज़ीरो को प्लस करना है तो क्या आएगा? थ्री, सेम नंबर। टू में ज़ीरो प्लस करेंगे तो टू, फाइव में ज़ीरो प्लस करेंगे तो फाइव, सेवन में ज़ीरो प्लस करेंगे तो सेवन, ज़ीरो में फोर प्लस करेंगे तो फोर, ज़ीरो में एट प्लस करेंगे तो एट। दीज टू होमवर्क। तो जल्दी से बताइए, ज़ीरो में नाइन प्लस करेंगे तो क्या आएगा, और ज़ीरो में वन प्लस करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? नाउ लेट्स लर्न वर्टिकल एडिशन बाय ड्राइंग स्ट्रोक्स। अब आपने एडिशन पढ़ लिया कि थ्री में आपने फोर प्लस किया तो क्या आया, नंबर लाइन में पढ़ लिया कि नंबर लाइन में कैसे कैसे आपको ऐड करना है। अब हम क्या पढ़ेंगे? वर्टिकल एडिशन मीन्स ऊपर एक नंबर लिखा है, नीचे एक नंबर लिखा है और दोनों को प्लस करना है। क्या करना है हमें? स्ट्रोक्स बनाने, मीन्स लाइन ड्रॉ करनी है। तो जितना नंबर उतनी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे नंबर क्या है? सिक्स। तो हमने सिक्स लाइन ड्रॉ की, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नीचे कितना नंबर है? टू। तो हमने टू लाइन ड्रॉ की, वन टू। अब हम इन सारे लाइंस को प्लस कर देंगे। तो जब हमने प्लस किया इसे तो हमने किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। टोटल कितनी लाइन है? एट लाइन। तो आंसर आ गया एट। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं और इन नंबर्स को ऐड करते हैं। सो यहाँ पे तो पहला नंबर है वो है सिक्स, तो सिक्स लाइंस ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगला नंबर है सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। आप इन दोनों को प्लस करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। आंसर आया थर्टीन। नेक्स्ट है थ्री, वन टू थ्री, फिर है सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब इन दोनों को प्लस करते हैं,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. आंसर है 10. नेक्स्ट है 7. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. अगला है 5. वन टू थ्री फोर फाइव. अब इन दोनों को काउंट करते हैं अगेन से. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व. इट्स 12 हियर. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट नंबर इज 8. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. अब हमने दोनों को प्लस किया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन. तो आंसर आया 16. सिमिलरली यहाँ करते हैं वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. तो यहाँ पे हमने दोनों ही नंबर्स काउंट कर लिया. अब एट तो यहाँ पे है ही, नाइन टेन इलेवन. इलेवन इज द नंबर. नेक्स्ट वन, और यहाँ पे वन टू थ्री. तो अब हम इन सबको ऐड करते हैं तो वन टू थ्री फोर. आंसर इज 4. सिमिलरली यहाँ पे आते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू तो फाइव सिक्स सेवन. आंसर इज 7. वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स सेवन एट. आंसर इज 8. सो सिमिलरली चिल्ड्रेन यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें मैंने नहीं किया है, वो क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एडिशन बाय ड्राइंग स्ट्रोक्स. तो अभी नीचे एक के नीचे एक दूसरा नंबर लिखा था, उसे हम कहते हैं वर्टिकल एडिशन. अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल एडिशन. मींस दोनों नंबर एक दूसरे के सामने होगा, बीच में होगा एक प्लस का साइन. तो यहाँ पे आप देखिए नंबर है 3, तो हमने 3 लाइंस ड्रॉ की है. यहाँ पे 6 है तो 6 लाइंस ड्रॉ की है. अब हमने इन सारी लाइंस को काउंट किया तो आंसर आया 9. तो 9 इज द आंसर. नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. वी हैव टू ड्रॉ द लाइंस हियर. कौन सा नंबर है 4. तो चलिए 4 लाइंस ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 4. यहाँ पे क्या है 5. वन टू थ्री फोर फाइव. अब इन दोनों को हम काउंट करते हैं तो 4 5 6 7 8 9. आंसर इज 9. सिमिलरली 1 एंड 1 2 3. आंसर इज 4. नेक्स्ट यहाँ पे 0 है तो एक भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है. अब यहाँ पे कितनी करनी, 1 2 3 4 5. अब 0 में हमने 5 को ऐड किया तो आंसर आया 5. नेक्स्ट है 6. 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3. जब हमने 6 में 3 को ऐड किया तो 6 7 8 9. आंसर आया 9. नाउ अब इन दोनों क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है, ऐसे ही लाइंस को ड्रॉ करके. नाउ चिल्ड्रन लेट्स ड्रॉ द लाइंस हियर आल्सो एंड ऐड. So there are, here is 4 already written. So we have to draw 4 lines. 1, 2, 3, 4. Now 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ab jab humne in lines ko count kiya, we get 10 as the answer. Similarly, 1, 2, 1, 2. Total answer aya 4. Yahan pe 1, 2, 1. Answer is 3. Ab yahan pe 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. आंसर आया 9. 1, 2, 3, 4, 5, 1. आंसर है 6. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. आंसर है 7. सिमिलरली 1, 2, 1, 2, 3. आंसर है 5. These two are your homework. Do it yourself. Now let's learn story sums on addition. So here are some story sums given. कुछ stories दी गई हैं, उन्हें जल्दी से पढ़ते हैं and then let's add. तो first story sum है, there are 6 balls in a basket. तो एक basket आपको दिख रही है सामने, इसमें क्या है 6 balls हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. टू मोर बॉल्स आर पुट इन द बास्केट. अब जो है हमने क्या किया, दो बास्केट में बॉल और डाल दिए. तो पहले कितने थे, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे, टू और ऐड कर दिया हमने.
हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द बास्केट नाउ, अब बास्केट में कितने बॉल्स हैं, तो 6 थे, 2 और ऐड कर दिए तो बन गए 8. नेक्स्ट इज देयर आर 6 बनानास, कितने बनाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 बनाना है. 5 ऑरेंजेस हैं एक बास्केट में, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑरेंजेस. हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन द बास्केट, तो पहले 6 बनाना है, 5 ऑरेंजेस है, अब दोनों को प्लस करना पड़ेगा हमें, तभी पता चलेगा टोटल कितने फ्रूट्स हैं. तो जल्दी से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अब दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 11. क्लियर चिल्ड्रन. नेक्स्ट, देर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन पार्क, तो एक पार्क में कितने बॉयज हैं, 5, कितनी गर्ल्स हैं, 3, दोनों को कर देते हैं प्लस. तो जल्दी से प्लस करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, आंसर इज 8. टोटल कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं उस पार्क में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर 3 बर्ड्स ऑन अ ट्री, तो एक पेड़ है जिसपे कितनी बर्ड्स हैं, 3. 4 बर्ड्स अंडर द ट्री, 4 बर्ड्स कहाँ हैं, पेड़ के नीचे उड़ रही हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 4. अब क्या कहना है, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन ऑल, ऑल का मतलब पूरी मिला के कितनी बर्ड्स हैं, तो हमने क्या किया, इन सबको कर दिया प्लस, तो आंसर आया 7. 3 + 4 = 7. सो लाइक दिस चिल्ड्रेन, इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको यहाँ पे सॉल्व करना है. क्लियर चिल्ड्रेन, सो डू इट योर सेल्फ. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, कैसे 2 डिजिट्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो अभी हमने 1 डिजिट नंबर को, 1s प्लेस को ऐड किया है, अब हमें 1s को भी ऐड करना है और 10s को भी प्लस करना है. सो हमें क्या करना है, ड्रॉइंग 65 लाइंस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर एडिशन, तो यहाँ पे नंबर दिया गया है 65 में 32 को प्लस करना, तो हम क्या करते थे, अगर 3 में 5 को प्लस करना होता था तो हम 3 लाइंस ड्रॉ करते थे और 5 लाइंस ड्रॉ करते थे. लेकिन अब क्या कह रहा है कि हमें ये नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है, वो है 65, तो 65 लाइन हम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, हम थक जाएंगे, हम भूल जाएंगे. सो फॉर 2 डिजिट नंबर वी परफॉर्म एडिशन विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू मेथड, तो प्लेस वैल्यू मेथड से हम इन्हें प्लस करते हैं. कैसे करते हैं, लेट्स सी प्लेस वैल्यू मेथड. सो इन आर 2 डिजिट नंबर द डिजिट्स एट राइट प्लेस इज एट 1s प्लेस एंड द डिजिट एट द लेफ्ट इज द 10s प्लेस. तो ये ऐसा कहा गया है कि अगर हम 2 डिजिट नंबर है हमारे सामने, तो जो राइट हैंड पे है 1s प्लेस होता है और जो लेफ्ट हैंड की तरफ है, राइट हैंड की तरफ है तो 1s प्लेस और लेफ्ट हैंड की तरफ है तो 10s प्लेस होता है. अब हमें क्या करना है, वी एड बोथ 1s प्लेस डिजिट एंड बोथ 10s प्लेस डिजिट. हमें क्या करना है, इस 1s प्लेस वाले को पहले प्लस करना है, फिर इस 10s वाले को प्लस करना है और लिख देना है. तो 1s वाले को जब हमने प्लस किया, 5 में 2 ऐड किया तो आंसर आया 7. सिमिलरली हमने 6 में 3 को प्लस किया तो आंसर आया 9. तो आंसर आ गया 97. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, 52 में 17 को प्लस करना है. तो 7 में हमने पहले 2 को प्लस करेंगे 1s प्लेस को, तो जब हमने 7 में 2 प्लस किया तो आंसर आया 9. सिमिलरली 5 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 6. आंसर इज 69. नाउ लेट्स डू एडिशन हियर. यहाँ पे 24 और 12 2 नंबर्स दिए गए, इन दोनों को हमें प्लस करना है. सो पहले हम 4 और 2 को प्लस करेंगे, तो 4 एंड 2 कितने हो गए, 6. अब यहाँ पे 2 और 1 कितने हुए, 3, 36. तो 36 क्या है यहाँ का आंसर. नेक्स्ट है 5 + 2, तो 5 एंड 2 कितने हो गए,
7 एंड 3 एंड 2 हो गए 5, 57. नेक्स्ट 1 प्लस 1 इज 2 एंड 6 प्लस 3 इज 9. 4 प्लस 3 इज 7 एंड 5 प्लस 4 इज 9. 5 प्लस 2 इज 7 एंड 2 प्लस 1 इज 3. 5 प्लस 2 इज 7 एंड 5 प्लस 3 इज 8. Similarly, do these two yourself. Clear, children? Now, let's do the addition of three two-digit number. अब तीन number हैं जो two-digit के हैं. उन्हें कैसे plus करेंगे? तो यहाँ पे देखिए पहला number है, दूसरा number है, तीसरा number है. और दोनों कितने digit के हैं? Two-digit के हैं. तो इसमें भी हमें क्या करना है? Same चीज़ करनी है. पहले ones को plus करेंगे. फिर टेंस को प्लस करेंगे. क्लियर चिल्ड्रेन? तो चलिए जल्दी से प्लस करते हैं. 4 प्लस 3, सो इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो आंसर आ गया 7. सिमिलरली 1 प्लस 3, क्या आंसर आया? 4. एंड 4 प्लस 3, आंसर आया 7. तो 7 आ गया हमारा आंसर. सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं क्या है. 1 कुछ भी नहीं, 1, 2, 3 कितने हो गए? इन्हें जब प्लस किया तो आंसर आया 4. अब यहाँ पे है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड यहाँ पे 1, तो 7, 8, 9 आंसर इज 94. सिमिलरली 1, 2, 3, 1, 2, 1 तो आंसर आया 6. 3, 4, 5, 6. अब यहाँ पे 1, 2, 1, 1 सो आंसर आ गया 4, 46. सिमिलरली 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 जब हम इसे प्लस करेंगे क्या बनेगा? 3, 4, 7 एंड 1, 8. 8 आ गया. अब यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 1, 2 सो 3, 4, 5, 6, 68. नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4 तो 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1 तो 5 के बाद 6, 7, 79. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 1 तो 5, 6, 7, 8, 9 एंड हियर 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3 तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 99. दिस इज योर आंसर. सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. सिमिलरली चिल्ड्रेन डू दीज. दीज यू हैव टू डू योर सेल्फ. नेक्स्ट लेट्स लर्न एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग. बिना कैरी किए कैसे हम थ्री डिजिट नंबर्स को ऐड कर सकते हैं? तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है. यहाँ पे थ्री डिजिट नंबर दिया गया है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. अब कैसे इन्हें ऐड करना है? सेम करना है. पहले वंस प्लेस को ऐड करेंगे, फिर टेंस प्लेस को ऐड करेंगे, फिर हंड्रेड प्लेस को ऐड करेंगे. तो वंस प्लेस में है 3 प्लस 2 इज 5 एंड 5 प्लस 2 इज 7 तो 7 लिख दिया हमने. अगेन 4 प्लस 3 इज 7 एंड 7 प्लस 1 इज 8 तो 8 आ गया. सिमिलरली 4 प्लस 2 इज 6 एंड 6 प्लस 1 इज 7 तो आंसर है 7, 8, 7. नेक्स्ट है वंस प्लेस को प्लस करते हैं पहले, तो 2 प्लस 1 इज 3 एंड 3 प्लस 0 इज 3 तो 3 लिख दिया. अब 4 प्लस 2 हो गया 6 एंड 6 प्लस 2 इज 8. नेक्स्ट 3 प्लस 1 इज 4 एंड 4 प्लस 2 इज 6 तो आंसर इज 683. नेक्स्ट है 4 प्लस 3 इज 7 एंड 7 प्लस 2 इज 9. नेक्स्ट है 4 प्लस 3 इज 7 एंड 7 प्लस 1 इज 8. 2 प्लस 1 इज 3 एंड 3 प्लस 1 इज 4. 489. नेक्स्ट है 3 प्लस 2 5 एंड 5 प्लस 1 इज 6. 5, 6, 7. 3 प्लस 3 इज 6
एंड 6 + 2 इज 8. क्लियर स्टूडेंट? सो ऐसे हम प्लस करेंगे. नेक्स्ट है 3 + 2 इज 5 एंड 5 + 1 इज 6. 5 में हमने 1 प्लस किया 6 एंड 6 में 2 प्लस किया तो 7 और 8. 3 + 3 इज 6 एंड 6 + 1 इज 7. सो आंसर इज 786. नेक्स्ट 3 + 2 इज 5 एंड 5 + 2 इज 7. 3 + 0 इज 3 and 3 + 1 is 4. 5 + 1 is 6 and 6 + 1 is 7. 747. 7 + 1 is 8 and 8 + 0 is 8. 3 + 2 is 5 and 5 + 1 is 6. 5 + 2 is 7 and 7 + 1 is 8. Similarly, 5 + 2 is 7 and 7 + 1 is 8. 3 + 2 is 5 and 5 + 2 is 7. 4 + 2 is 6 and 6 + 1 is 7. Similarly, 3 + 2 is 5 and 5 + 2 is 7. 4 + 2 is 6 and 6 + 1 is 7. 3 + 2 is 5 and 5 + 1 is 6. Similarly, 5 + 2 is 7 and 7 + 1 is 8. 7 + 1 is 8 and 8 + 0 is 8. 3 + 2 is 5 and 5 + 2 is 7. So 788 is the answer. So like this, children, you have to complete this exercise and these questions you have to do like we have done the earlier page. So this is your homework. Now let's children learn about addition of two digit number with carrying. तो अभी तक हमने पढ़ा जो numbers थे उसमें कुछ भी हमने carry नहीं किया, कुछ भी बचा हुआ number नहीं था. तो जो भी किसी number को add करते हैं और कोई number बच जाता है तो उसे हम ऊपर carry कर देते हैं. For example, यहाँ पे एक number दिया गया है 29 और 88, इन दोनों को हमें plus करना है. तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 8 और 9 बन जाते हैं क्या 17. क्लियर? अब यहाँ पे ये जो 17 है, ये पूरा 17 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते. तो हम क्या करेंगे, इस 17 में से जो 7 है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, तो जो वंस प्लेस है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे. जो बचा हुआ टेंस प्लेस है मींस वन है, उसे यहाँ टेंस के ऊपर हम कैरी कर देंगे. क्लियर? तो अब हम क्या करना है, इस कैरी वाले को इस पूरे टेंस के साथ प्लस करना है. तो जब मैंने प्लस किया 8 + 2 तो वो आ गया 10 एंड इस 10 में हमने इस 1 को प्लस किया तो आंसर आ गया 11. तो आंसर क्या है, 117. क्लियर? तो आप देख सकते हो यहाँ पे 17 में 7 था, 1 को हमने ऊपर कैरी किया, यहाँ पे आ गया 1. और अब जब हमने 8 में हमने 2 को प्लस किया और 1 को प्लस किया तो आंसर आया 11 एंड दिस इज योर आंसर. सो ऐसे ही हमें प्लस करना है किसी भी कैरी वाले नंबर को. सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. हियर वी हैव टू ऐड द फॉलोइंग नंबर्स. अब देखते हैं यहाँ पे कैरी वाले क्वेश्चन है या नहीं है. तो सबसे पहले हम 7 में 4 को प्लस करेंगे. तो हमने 7 में जब 4 को प्लस किया तो आंसर आया 11. तो 11 का जो वंस प्लेस है हम वो यहाँ लिख देंगे और जो टेंस प्लेस है उसने हमने यहाँ पे लिख दिया. अब 5 में हमने 3 को प्लस किया तो आंसर आया 8 एंड 8 + 1 हो गया 9. तो टोटल आंसर है 91. सिमिलरली 8 में हम 5 को प्लस करेंगे तो 13 आएगा आंसर. तो 13 में जो वंस प्लेस है यहाँ लिख दिया और जो टेंस प्लेस है इसे यहाँ पे कैरी कर देंगे. नेक्स्ट 7 + 8 हम करेंगे तो आएगा आपका 15 एंड 15 + 1 इज 16. सो आंसर है 163. नेक्स्ट सेम यहाँ पे करेंगे, 7 में हम 9 को प्लस करेंगे तो आंसर है 16. 1 को हम यहाँ कैरी कर देते हैं 16 का 1
अब 6 प्लस 1 आ गया 7 और 7 प्लस 1 आ गया 8, 86. सिमिलरली 8 में हमें 3 को प्लस करना है, तो जल्दी से प्लस करते हैं. 8 प्लस 3 11, 1 को यहाँ पे लिख दिया, 1 जो बचा यहाँ कैरी हो गया. अब 6 प्लस 2 हो गया हमारा 8 एंड 8 प्लस 1 इज 9. नेक्स्ट 9 प्लस 2 करते हैं, तो 9 में हमने 2 को प्लस किया तो आंसर आया 11, 1 कैरी हो गया. अब यहाँ पे 6 प्लस 1 7 और 7 प्लस 7 होता है 14, तो आंसर है 141. नेक्स्ट है 7 प्लस 5, तो 7 प्लस 5 हमने किया आंसर आया 12, 1 कैरी. नेक्स्ट 8, 7 में हमने 8, 1 को प्लस किया तो आ गया 8 एंड 8 प्लस 8 इज 16, इट इज 162. नेक्स्ट 8 प्लस 8 इज 16, 1 कैरी जो हमने यहाँ लिख दिया. एंड 5 प्लस 2 हो गया 7 एंड 7 प्लस 1 इज 8, 86. सिमिलरली 8 प्लस 6 करेंगे सो इट इज 14, 1 कैरी. नाउ 9 प्लस 1 इज 10 एंड 10 प्लस 6 इज 16, 164. सिमिलरली 6 प्लस 7 इज 13, 1 कैरी. 6 प्लस 7 इज अगेन 13 एंड 114, सो इट इज 143. सिमिलरली 6 प्लस 8 इज 14, 1 कैरी एंड 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस 7 इज 14, 144. सो दीज टू क्वेश्चन चिल्ड्रेन यू हैव टू डू योर सेल्फ. Now let's learn addition of two digit number with carrying. अब हम क्या करेंगे, three numbers को add करेंगे जो two digit के हैं और इसमें भी हम carry के साथ करेंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे करना है. हमें पहले करना है 5, 4 में 6 को plus करना है तो answer आया 10 and 10 में हमने 5 plus के answer आया 15. अब इस 15 का जो ones place है 5, उसे यहाँ हमने लिख दिया और ये जो टेंस प्लेस है 1, इसे हमने यहाँ पे कैरी कर दिया. अब नंबर बचता है 5 प्लस 5 हो गया 10 एंड 10 प्लस 2 हो गया 12 एंड 12 प्लस 1 हो गया 13, तो ये 13 को हमने यहाँ पे लिख दिया, नंबर बना 135. सिमिलरली यहाँ पे करके देखते हैं 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 हो गया 11 एंड 11 प्लस 1 हो गया 12, 12 का 1 यहाँ पे लिख देते हैं. अब नंबर है 5, 6, 7, 8, 82. नेक्स्ट 7, 8, 9, 10, 11, 1 and 1. 4 plus 3, 7, 8, 9, 91. Similarly 7 plus 5, so here the number is 12 and 0 को भी हमने plus किया तो 12 answer आया. Next 3 plus 2 is 5 and 5 plus 1 is 6 and 6 plus 1 is 7. So number is 72. Next number 8, 7 plus 1 is 8 and 8 plus 8 is 16. 6 yahan likh diya, 1 ko carry. 4, 5, 6, 7, 76. Next 6 plus 1 is 7 and 7 plus 8 is 15. Next 1 is carried, 4 plus 4 is 8 and 8 plus 1 is 9 and 9 plus 1 is 10, 105. Next 7 plus 1 is 8 and 8 plus 8 is 16, 6 yahan likh diya, 1 carry. Ab 6, 7, 8, 9, 10, 106. Similarly 8 plus 2 is 10 and 10 plus 4 is 14. 4 yahan, 1 carry. Now 7, 8, 9, 10, 104. So these are the answers. Aise hi aap karenge is exercise ko and these questions are your homework. In questions ko bhi waise hi karenge jaise abhi humne previous page pe padha tha. Next is addition of 3 digit number without carrying. थ्री डिजिट नंबर्स को कैसे प्लस करना है बिना कैरी के. सो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे वंस प्लेस को ऐड. सो 7 प्लस 8, सो 7 प्लस 8 इज
15, तो 5 लिख दिया, 1 को कैरी कर दिया, ठीक है। अब 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 1 इज 4, अब क्या बचा, 4 प्लस 2 इज 6, तो आंसर है 645। सिमिलरली 6 प्लस 8 इज 14, 3 4 5 एंड 4 1 554। नेक्स्ट 5 प्लस 6 इज 11, सो लेट्स राइट 1 हियर एंड 1 हियर, 1 2 3 3 and 3 plus 2 is 5, 531. Similarly, 9 and 6 को हम ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 15, तो 5 यहाँ 1 यहाँ पे कैरी, 5 plus 0 is 5 and 5 plus 1 is 6, तो आंसर है 6. Again, 4 plus 2 is 6, तो आंसर है 665. Similarly, 9 में हमने क्या किया, 1 को प्लस किया, तो आंसर आया 10, 0 यहाँ लिख देंगे, 1 को कैरी कर देंगे। अब 7 में हमने 1 को प्लस किया तो 8 आया, अब 8 में 0 को प्लस करेंगे तो भी 8 ही आएगा। अब 5 में हमने 2 को प्लस किया तो आंसर क्या आएगा, 7। नेक्स्ट 5 प्लस 7, सो 5 प्लस 7 इज 12, 1 को कैरी कर दिया, 5 6 7, 7 इज द आंसर हियर। अब यहाँ पे 5 6 7 8, 872। नेक्स्ट 9 प्लस 9 इज 18, 8 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 3 4 5। नेक्स्ट 6 प्लस 1 इज 7, नेक्स्ट इज 8 प्लस 9, सो 8 प्लस 9 इज 17, 7 8 9 and 5 plus 3 is 8, so 897 is the answer. So like this children, you have to complete these questions yourself. Aise hi inhe bhi add karenge aur fill karenge. Now next is addition of 3 digit number without carrying. Bina carry kiye aap kaise jo hai 3 digit numbers ko add karte hain, to chaliye dekhte hain. 9 प्लस 1 10 एंड 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15, तो 15 का 5 लिखा, 1 को कर दिया कैरी। नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न हाउ कैन वी डू एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद कैरिंग। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, विदाउट कैरिंग हमें कैसे ऐड करना है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैरी के साथ कैसे ऐड करेंगे नंबर्स को। तो पहला है 9 प्लस 1 हो गया 10 एंड 10 प्लस 5 हो गया 15, तो यहाँ पे 5 यहाँ लिख देंगे और 1 को करेंगे कैरी। नेक्स्ट अब 7 में हमने प्लस किया 2 जो कि बन गया 9 एंड 9 में हमने कर दिया 1 को प्लस तो बन गया 10 और इस 10 में हमने 4 को प्लस किया तो हो गया 14, तो 4 यहाँ लिख दिया, 1 को फिर से कैरी कर दिया। नेक्स्ट 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6 एंड 6 प्लस 1 इज 7, तो आंसर आया 745। सिमिलरली चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 4, 9 प्लस 2 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15, तो 5 लिख देंगे, 1 को कर देंगे कैरी। अनदर नंबर 5 प्लस 3 इज 8 एंड 8 प्लस 8 इज 16 एंड 16 प्लस 1 इज 17, तो 1 कर दिया फिर से कैरी 17 का। नेक्स्ट 4 प्लस 3 7 एंड 7 प्लस 1 इज 8 एंड 8 प्लस 1 इज 9, सो आंसर विल बी 975। सिमिलरली अब हम इन नंबर्स को प्लस करेंगे तो 7 प्लस 3 किया तो 10 एंड 10 प्लस 4 किया तो 14, 1 कैरी। अगेन 5 में हमने 6 को प्लस किया तो आंसर आया 11 एंड 11 में 1 प्लस किया तो आया 12, अब इस 12 में 2 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा अगेन 14, 1 को फिर से कैरी कर दिया। अब 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7 एंड 7 प्लस 1 इज 8, सो 844। नेक्स्ट नंबर 8 प्लस 2 इज 10 एंड 10 प्लस 3 इज 13, 3 लिखा, 1 कैरी। 9 प्लस 1 इज 10 एंड 10 प्लस 4 इज 14 एंड 14 प्लस 0 इज 14, सो 4 एंड 1 कैरी।
2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, and 6 + 1 = 7. 743. Next, 8 + 4 = 12, and 12 + 3 = 15. 5, 1 carry. 5 + 1 = 6, and 6 + 7 = 13. Next, 6, 7, 8, 9. 935. Similarly, 5 and 6. 11. 11 + 3 = 14. 4 and 1 carry. Next, 4 + 4 = 8. 8 + 2 = 10, and 10 + 1 = 11. 1 carry again. 3 + 3 = 6, and 6 + 1 = 7, and 7 + 1 = 8. 814. Next, let's do the next question. 5 + 4 = 9, and 9 + 9 = 18. 1 carry. Now, 7 + 3 = 10, and 10 + 4 = 14, and 1 = 15. Again, 3 + 3 = 6. Then we add 2, which is 8, and then 9. 958. 4 + 6 = 10. 10 + 2 = 12. 1 carry. Again, 5 + 4 + 1 = 10, and 10 + 3 = 13. 1 carry. 5, 6, 7, 8, 9. 932. Next is 6 + 2 = 8, and 8 + 7 = 15. 1 carry. Now, 5 + 4 = 9, and 9 + 1 = 10, and 10 + 3 = 13. 1 carry. 4 + 1 = 5, 5 + 2 = 7, and 7 + 1 = 8. 835. Now, children, let's do this one. 4 + 2 = 6, 6 + 7 = 13. 1 carry. Now, 4 + 1 = 5, and 5 + 5 = 10, and 10 + 8 = 18. 1 carry. Next, 4 + 2 = 6, then 7, and then 8. So the answer is 883. Like this, children, you have to answer these questions. You have to solve these questions that are given here. It's your homework. Next is addition of 4-digit numbers without carrying. Bina carry ke 4-digit numbers ko kaise add karna hai? Same process is to be followed. 4-digit numbers consist of 4 digits, each representing a specific value. The place value of 4-digit is 1000. So 4-digit pe pehle jo first digit pe use ones kehte hain. Second digit wale ko tens kehte hain. Third digit wala 100 ban jata hai. Ab jo fourth digit wala number hai wo 1000 kehlata hai. So, हमें क्या करना है 1, 2, 3, 4 में 4, 3, 2, 1 को प्लस करना है. तो कैसे करेंगे हम इन दोनों को प्लस? इन दोनों को पहले हम लिखेंगे कॉलम्स में, फिर हम क्या करेंगे 4 में 1 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 3 में 2 को प्लस करेंगे, फिर अगेन 2 में 3 को प्लस करेंगे और 4 में 1 को प्लस करेंगे, एंड वी विल गेट दिस आंसर. तो ऐसे ही कॉलम में अरेंज करना और इन नंबर्स को प्लस करना है. तो जब हमने इन्हें प्लस किया तो आंसर आया 5555. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ लेट्स ऐड द फॉलोइंग नंबर्स. सो हियर द फर्स्ट वन इज 4 + 2 = 6, 3 + 2 = 5, 4 + 3 = 7, and 2 + 1 = 3. So the answer is 3756. Next is 5 + 2 = 7, 4 + 2 = 6, 5 + 2 = 7, and 3 + 2 = 5. So answer is 5767. Next is 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 3 + 3 = 6, and 5 + 4 = 9. So the answer is 9675. Next is 3 + 1 = 4, 5 + 2 = 7, 3 + 3 =
6. 4 plus 2, 6. So the answer is 6,674. Next question. 7 plus 2, 9. 4 plus 1, 5. 3 plus 3, 6. And 3 plus 2, 5. So the answer is 5,659. Next is 5 plus 2 is 7. 4 plus 3 is 7. 2 plus 1 is 3. And 5 plus 2 is 7. So the answer is 7,377. 5 plus 1, 6. 6 plus 3, 9. 2 plus 2, 4. And 5 plus 4, 9. Again the answer is 9,496. Next, 4 plus 3 is 7. 4 plus 2 is 6. 3 plus 2 is 5. 5 plus 4 is 9. Answer is 9,567. 1 plus 1 is 2. 3 plus 2 is 5. 4 plus 2 is 6. And 5 plus 3 is 8. So the answer is 8,652. Next one, 3 plus 1, 4. 2 plus 1, 3. 4 plus 3, 7. And 2 plus 1, 3. So the answer is 3,734. Next, 7 plus 2, 9. 5 plus 3, 8. 3 plus 3, 6. And 2 plus 1 is 3. So the answer is 3,689. Next, 5 plus 1, 6. 3 plus 3, 6. 2 plus 1, 3. And 4 plus 2, 6. Again, here the answer is 6,366. So, like this, you have to solve these questions that are given here. It's also your homework. Now, children, let's learn addition of 4-digit number with carrying. Abhi humne without carrying kiya tha na. अब हम करेंगे विथ कैरिंग. तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, 4-digit नंबर, वो है 3195. इसमें हमें 6237 को प्लस करना है. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इन नंबर्स को कॉलम्स में लिखना है. अब हमें क्या करना है, वंस प्लेस से ऐड करना है. तो हमने 5 में जब हमने 7 को प्लस किया तो आंसर आया 12. 2 यहाँ लिखा, 1 को कर दिया कैरी. अगेन 9 में हमने 1 को प्लस किया तो आया 10, एंड 10 प्लस 3 हो गया 13. 3 लिखा और 1 को फिर से कर दिया कैरी. अगेन 2 प्लस 1 हो गया 3, और 3 प्लस 1 हो गया 4, तो 4 लिख दिया. एंड 6 प्लस 3 कर दिया 9. अगर यहाँ पे 4 की जगह 14 होता तो अगेन फिर से हम इस 1 को यहाँ ले जाते और कैरी कर देते. सो दिस इज़ आंसर 9,432. ऐसे ही हमें एडिशन करना है विथ कैरिंग. सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. सो हियर चिल्ड्रन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 प्लस 9. 8 प्लस 9 इज 17. सो 7 लिख दिया एंड 1 कैरी. अगेन 1, 2, 3. 3 प्लस कर दिया. 2 प्लस 2 हो गया 4. एंड 9 प्लस 7. सो हमने जब 7 में हमने 9 को प्लस किया तो आंसर आया 16. सो आंसर इज 16,437. सिमिलरली नेक्स्ट वन इज 6 प्लस 3 विच इज 9. 5 में 0 प्लस किया आया 5. 7 में 0 प्लस किया आया 7. एंड 6 में 1 प्लस किया तो आया 7. सो यहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं करना था. नेक्स्ट है 6 में हमने किया प्लस 9. सो 6 में हमने 9 प्लस किया तो आ जाएगा 15 का 1 कैरी. अब 7 में हमने 1 ऐड किया, 8 एंड 1 9. सो 9 आंसर है. अगेन हम 9 में 7 को प्लस करेंगे तो जब हम 9 में 7 को प्लस करेंगे द आंसर विल बी 16. 6 लिख दिया, 1 कैरी कर दिया. अब 3 प्लस 2 इज 5 एंड 5 प्लस 1 इज 6.
तो आंसर है 6695. अगेन यहाँ पे 6 में हम 3 को 6 में हम 7 को प्लस करेंगे तो आंसर विल बी 13. 1 लिख दिया यहाँ पे. अब 8 प्लस 2 हो गया हमारा 10 एंड 10 प्लस 1 11. 1 लिखा एंड 1 होगी कैरी. नेक्स्ट 4 प्लस 1 इज 5 एंड 5 प्लस 7 इज 12. 1 कैरी. नेक्स्ट 8 प्लस 1 इज 9 एंड 9 प्लस 9 इज 18. सो द आंसर इज 18,213. नेक्स्ट 8 प्लस 4 12. 1 कैरी. 7 प्लस 3 इज 10. 1 कैरी. 6 प्लस 10 इज 16. 1 कैरी. एंड अगेन 5 प्लस 3 इज 8 एंड 1 9. सो 9,602. नेक्स्ट 13. 8 प्लस 5 इज 13. 1 कैरी हो गया. नाउ 5 प्लस 1 इज 6 एंड 6 प्लस 3 इज 9. नाउ नेक्स्ट इज 7 प्लस 4 इज 11. 7 प्लस 5 इज 12 एंड 1 13. सो आंसर इज 13,193. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 प्लस 0 इज 7. 8 प्लस 8 इज 16. 1 कैरी. नाउ 5 प्लस 1 इज 6 एंड 6 प्लस 6 इज 12. 1 कैरी. 9 प्लस 1 इज 10 एंड 5 15. सो द आंसर इज 15,267. नेक्स्ट इज 5 प्लस 2 7. नाउ 7 प्लस 9 इज 16. 5 6 7 8 एंड 5 6 7. So answer is 7,867. Next is 8 plus 2, 10. Now 5 plus 1 is 6 and 6 plus 7 is 13. 1 carry. 4 plus 4 is 8 and 8 plus 1 is 9. Again 5 plus 9 is 14. So the answer is 14,930. So rest of the questions which are left here, children, these questions you have to do yourself. So it's your homework. Now let's move on to the story sums on addition. So here the first question is, in a football match, the attendance on Saturday is 397. तो फुटबॉल मैच में अटेंडेंस ली गई तो वहाँ पे देखा गया कि सैटरडे को कितने लोग थे, 397 लोग थे. ऑन संडे, अब संडे की अटेंडेंस कितनी थी, 395. इतने लोग थे संडे में. इन ऑल हाउ मेनी पीपल वॉज दिस मैच ऑन टू डेज, तो इन दो दिनों में लोगों ने, कितने लोगों ने मैच को देखा, तो दोनों को हम कर देंगे प्लस. तो जब दोनों को प्लस किया तो वी गेट 7 में हमने प्लस किया 5 तो आंसर आया 12. 1 कैरी कर दिया. नाउ 9 प्लस 9 इज 18. 18 प्लस 1 इज 19. 9 लिख के 1 कैरी कर दिया फिर से. 3 प्लस 3 इज 6 एंड 6 प्लस 1 इज 7. तो आंसर है 792 लोगों ने देखा मैच. नेक्स्ट है 172 लोग जो है क्या करने आए थे, एग्जीबिशन में घूमने आए थे सैटरडे को. 589 लोग आए थे देखने संडे को. तो कितने लोग मिलके आए थे उस पूरे एग्जीबिशन में घूमने, तो हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है. सो लेट्स ऐड दीज. तो 9 प्लस 2 विल बी 11. 1 कैरी कर दिया. नेक्स्ट 7 प्लस 1 8 और 8 प्लस 8 16. अगेन 1 कैरी कर दिया. 5 6 7. तो आंसर है 761. नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन लॉरी कैरीज 376 बैम्बू. एक लॉरी है, एक वैन है जिसमें इतने बैम्बू पोल्स हैं.
दूसरी लॉरी में है 234 बैम्बू पोल्स। अब आपको बताना है फाइंड द टोटल, टोटल बताना है, टोटल मिला के कितने जो है बैम्बू पोल्स थे। तो जल्दी से इन्हें हम प्लस कर देते हैं। तो जब हमने 6 में 4 को प्लस किया तो आंसर आया 10, 1 कैरी हो गया। अब 7 में 3 को प्लस किया फिर से 10 आया, और 1 को प्लस किया तो 11 हो गया, अगेन 1 कैरी कर देंगे। अब 3 प्लस 2 हो गया 5, और 5 प्लस 1 हो गया 6। तो टोटल 610 बैम्बू पोल्स थे इन दोनों लॉरीज में। सो ये जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ये आपका होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ। So children, with this we have completed addition. We have learned in this chapter about 2-digit addition, about 3-digit addition, about 4-digit addition. We have also learned how to add without carrying and with carry. So I hope you enjoyed the chapter. You have to complete the given exercises. I'll be meeting you soon with a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.